हैं कि साहब क्यों ना जरा 107 निकाल ही लीजिए ना, क्या है, आइए जरा, कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी इसी बहाने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इट, जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक समन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा। आई फाइंड माई सेल्फ टोटली डिस्टर्ब हाउ दिस इज हैपनिंग। एस डी ओ इज मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन एफ आई आर, एस डी एम इज नॉट अप्लाइंग हिज माइंड बिफोर इशूइंग समन टू एनी बडी, पुलिस ऑफिसर्स अरेस्टिंग एनी बडी ऑन ए मेयर एलिगेशन विदाउट नोइंग द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आर वी लिविंग इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन अंडरस्टैंड रूल ऑफ लॉ इज रियली बींग इम्प्लीमेंटेड। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर, हाँ, तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को फिर, अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए, बना दिया आपने इतने लोगों को, शॉर्ट पीरियड है, यही सब हम रिकॉर्ड कर देते हैं आपका एक्सप्लेनेशन। कंसिडर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, डायरेक्टिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड राइट टू द बीपीएससी एंड यूपीएससी ऑल्सो टू टेक नोट ऑफ योर कंडक्ट। How can you talk like this, Mr. SDM? SDM, you are come forward. You know why you have been called here? Sir. You know why? Lordship, there was written in the Tamila, but it is not attached in the record. All right. That we have. So you know the reason. Now tell me, do you have any experience of? Taking up a proceeding under section 107 CRPC? You have. Very good. So, how could you forget those procedures while initiating 107 proceeding in this case? आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं जैसे भी आपको सहूलियत हो। सर उस समय मोकामा विधानसभा चुनाव सर उपचुनाव होना था सर, उसमें सर बहुत सारा हम लोगों को इनिशिएट करना पड़ता है राइट फ्रॉम द एंड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शन। इस पीरियड में सर जो प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने पड़ते हैं सर। कोई तो बेसिस होगा ना सर, एसडीएम साहब। सर सर ऑन द रिपोर्ट हम भी उस गांव के अगर रेसिडेंट हों, मान लीजिए हमारे गांव में एक थाना हो और हम वहां के रेसिडेंट हों, तो हमारे खिलाफ 107 प्रोसीडिंग करने के पहले कुछ तो आप ख्याल रखेंगे हमारे इज्जत का भी। कोई रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि मेरा ये चरित्र है, हमने ये जो है गांव में उत्पात मचा रखा है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कोई आशंका आपको होगी, कोई ऐसा विश्वास होगा कि यहाँ पर कोई घटना घट सकती है। ये जो लोगों के खिलाफ 107 आपने शुरू किया है, इनके बारे में क्या इनपुट्स थे आपके पास? On the basis of police report, sir, that has been But police report is nowhere showing any input. Please come to your records. खोलिए जरा records. सर थाना अध्यक्ष सामियागढ़ ओपी द्वारा 18/22 के प्रतिवेदन जो धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्राप्त है एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ द्वारा अग्रसारित है का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की संभावना के कारण स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। अतः मैं प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उपरोक्त कारणों को लेकर किसी भी समय अपनी घटना घट सकती है और बलवा हो सकता है जिसके कारण मेरे क्षेत्राधिकार में शांति भंग हो सकती है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय पक्षों को नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाए रखें। ये तो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है सब, ये आप भी लिखेंगे या आपके क्लर्क ने लिखेंगे, वो आप सिग्नेचर जरा रिपोर्ट देख लीजिए, प्रतिवेदन जिसके आधार पर आप कर रहे सर। सादर सूचित करना है कि द्वितीय पक्ष के अंकित लोगों के द्वारा बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 प्रथम पक्ष कौन है? प्रथम पक्ष सर स्टेट है सर। स्टेट हो गए प्रथम पक्ष, पढ़िए द्वितीय पक्ष का। द्वितीय पक्ष सर 10 लोग हैं सर।
हाँ छोटू सिंह ठीक है, पिता नाम छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए क्या लिखा। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसी पार्टी विशेष या प्रत्याशी के पक्ष में बूथ संख्या 270 उच्च विद्यालय पूर्वी भाग, बूथ संख्या 271 उच्च विद्यालय पश्चिमी भाग के मतदाताओं को बहला फुसला कर भयभीत प्रलोभन देकर प्रभावित कर सकते हैं। इनके द्वारा कर सकते हैं तो ये तो 10 नाम दिया, आपकी इच्छा होती है, आपके एसपी साहब की इच्छा होती है कि 5 नाम और जोड़ दो तो 15 हो जाता। इन सब लोगों का क्या रिकॉर्ड ऐसा है जिसके आधार पर आपके ओपी से ये सूचना, ये प्रतिवेदन दी गई? क्या ये प्रतिवेदन काफी है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट 107 शुरू कर देने के लिए आपकी राय में? सर नोटिस के उपरांत पहले ये बताइए ना, आपको माइंड अप्लाई करना था ना। एक प्रतिवेदन आया आपके पास, ओपी से एक प्रतिवेदन आया, उस प्रतिवेदन के साथ किसी भी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं लगा हुआ है। उस प्रतिवेदन में कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ ये व्यक्ति पास्ट में भी इसने कभी कोई ऐसा दंगा फसाद किया है या किसी लड़ाई झगड़े में इसका नाम पड़ा है, नहीं है ना? तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि आपने वहां एक दहशत फैलाने के लिए कुछ लोगों का नाम लिख करके उनको भयभीत करने के लिए आपके पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाया, आपको भेजा और आपने उस पर दस्तखत करके 107 शुरू करा दिया? किसी व्यक्ति के खिलाफ 107 का प्रोसीडिंग अगर शुरू हो रहा है तो क्या उसके ऊपर एक दाग नहीं लग रहा है? आप सिर्फ ये मुझे बताइए, अगर आपके रिकॉर्ड पर, आप गए थे परीक्षा देने ना बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, आपके ऊपर अगर 107 की एक कार्रवाई का जिक्र आपके रिकॉर्ड में होता तो अपने परीक्षा फॉर्म में आपको लिखना पड़ता कि नहीं पड़ता कि पूर्व में 107 में कार्रवाई हुई है मेरे अगेंस्ट? जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लिखना पड़ता कि नहीं? इंटरव्यू होता उसमें जो मैं लोग होते हैं वो आपसे पूछते ना कि अच्छा ये 107 क्यों हुआ आपके ऊपर, क्या जवाब आप देते? बोलते साहब ये तो पुलिस वालों ने ऐसे ही कर दिया, मेरा तो रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। क्या यही बोलते या कुछ और बोलते? जरा सर ये यही बोलते ना, इतने लोगों का तो आपने कैरेक्टर रोल लिख दिया सर विदाउट देयर बीइंग एनी बेसिस। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 107 नहीं कर सकते, इन अप्रोप्रिएट केसेज यस यू शुड डू, यू कैन सर्टेनली डू इट, बट इतने लोगों के खिलाफ 107 का नोटिस देने के पहले क्या आपको आश्वस्त होने की जरूरत नहीं थी कि हाँ इसमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत है, किसी ने कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया है, किसी ने पूर्व में कहीं पिछले इलेक्शन के दौरान कहीं कोई दंगा फसाद किया है, ऐसी कोई रिपोर्ट है उस ओपी में? बताइए। सर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में सर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ना आपके आपसे सर ये लिया जाए बॉन्ड सच्चरित्र का, इससे सर हमने उसको कभी भी प्रोसिक्यूट तो नहीं किया बॉन्ड यार लेने की बात है ना, सर। आप उनको बोलते हैं कि साहब क्यों ना जरा 107 निकाल ही लीजिए ना, क्या है, आइए जरा कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी इसी बहाने। When an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in any manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute bond with or without surety for keeping the peace for such period not extending 1 year as the not magistrate exceeding thinks 1 year fit. as the magistrate thinks fit। अब देखिए ये सेक्शन के अंदर आपने क्या समझा, क्या दिया हुआ है? Why these obligations have been cast upon the magistrate and the competent authority under section 107? Why this responsibility has been cast upon them? Because
इश्यूएंस ऑफ समन टू एनीबॉडी, इश्यूएंस ऑफ वारंट टू एनीबॉडी इज अ सीरियस मैटर. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इट. जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक समन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा. तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को. रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहते हैं नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि नहीं. क्यों? इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन, कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी. भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा. सो वी रिस्ट्रेन अवर सेल्फ. आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे. आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन. आपने 107 पढ़ा ही नहीं कभी. चूक हुई है यहाँ पर कि नहीं हुई है, क्या लगता है आपको? ये प्रोविजन आपने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं होगा, आई बिलीव. नहीं पढ़ा था ना. अब आप देखिए कि क्या हुआ. आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया. अगर ये गलत ऑर्डर आपने नहीं पास किया होता तो आगे कोई बात ही नहीं होती, तो ये सारी कार्रवाई के तो दोषी आप हो गए. योर ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट फॉलोइंग द लॉ हैज क्रिएटेड ऑल दिस ट्रबल. मैन I find myself totally disturbed how this is happening. SDO is making false statement in FIR. SDM is not applying his mind before issuing summon to anybody. Police officers arresting anybody on a mere allegation without knowing the judgment of the Honorable Supreme Court. Are we living in a situation where we can understand rule of law? It's really being implemented. अब ये आपको हम पढ़ावे कोर्ट में हर ऑफिसर को बुला करके, संभव है क्या? इसीलिए आपको बुलाया था. इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फीचर. आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इन टू एनी मेटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में, तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को क्या? डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को? सर आप ये बताइए ना, यू आर ए सिटीजन ऑफ द कंट्री. आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली. यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगी? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही समन कर दो. इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, देन ओनली एनआरकी विल बी देयर इन द होल सोसाइटी. अब आप आगे बढ़िए जरा. ये तो एक चैप्टर हुआ, आपने बिगनिंग में गलती कर दिया. सेकंड जरा देखिए, आपने जो सम्मन इशू किया वो सम्मन का तामिला कहीं है आपके रिकॉर्ड? नहीं. नहीं है ना. तो सम्मन का जब तामिला रिपोर्ट नहीं है आपके रिकॉर्ड पर, तो आपने वारंट कैसे कर दिया? जरा पढ़िए सेक्शन 87 सीआरपीसी.
चलिए क्लास ही होगा आज, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जो है ना, अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो पढ़ाएंगे हमें। पढ़िए जरा 87 कि तामिला थाना के मार्फत से किया गया। कोई मुझे दिखा दीजिए ना, कोई रिपोर्ट है थाना का, कोई इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड पर होना चाहिए जिसके आधार पर आपने लिखा या आपके पेशकार ने लिखा, कुछ है तो बताइए मुझे। सर ओनली सर उस समय जो सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर, तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को फिर। अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। बना दिया आपने इतने लोगों को, शॉर्ट पीरियड है यही सब, हम रिकॉर्ड कर देते हैं आपका एक्सप्लेनेशन। आपका यही एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून को हमने कह दिया रख दो कहीं और इनको वारंट कर दो, देन यू शुड बी हेल्ड लाइबल, यू शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, कोर्ट शुड कंसिडर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, डायरेक्टिंग द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी एंड राइट टू द बीपीएससी एंड यूपीएससी ऑल्सो टू टेक नोट ऑफ योर कंडक्ट। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस मिस्टर एसडीएम, कि इलेक्शन का समय था इसलिए हमने, शॉर्ट टाइम था इसलिए कर दिया। यू आर मेकिंग क्रिमिनल सर, व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ऑर्डर। और अगर इसी तरह से ऑर्डर कोर्ट में हम सोचे कि कर दें तो क्या कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी? जिसके पास पावर होता है ना, वो अपने को रिस्ट्रेन करता है। पावर का मतलब ये नहीं ना कि वो पढ़े ना, बचपन में कभी पढ़े कि नहीं, क्षुद्र नदी भरी चली तराई, बचपन में बड़ों ने सिखाया होगा ना कि जिस पेड़ पर फल लगता है वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है, ये सिखाया गया था कभी कि नहीं? ये सब तो बड़े लोग सिखाते थे बचपन में, जब पेड़ पर फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है। वो आपको पावर दिया, आपको एसडीएम बना दिया गया, आप पूरे मिसयूज पर उतर आए। तो दोनों एस्पेक्ट पर कुछ नहीं है आपके रिकॉर्ड, कोई तामला रिपोर्ट नहीं है, फिर भी आपने वारंट कर दिया। सर उस समय तामिला जो होता था सर, वो हम लोगों को रिकॉर्ड पर सर जो व्हाट्सएप से या फिर ओरल तामिला लगा दिया जाता था सर, और नेक्स्ट डे पर सर हम लोग उसको अगर आकर के बॉन्ड दे देते थे तो फिर वो खत्म। और यही प्रोसीजर होगा। और अगर आपके व्हाट्सएप पर, हम आपको सारी लिवरेज देंगे, अगर आपके व्हाट्सएप पर आया था तामिला तो कोर्ट में भेजने के पहले रिकॉर्ड आपने उसको भी लगा दिया होता या आपने जवाब में भी लिख दिया होता। कहां कहां क्या क्या एक्सप्लेनेशन लीजिएगा आप बताइए। बोलिए क्या करें इसका। सर मुझे माफ, सर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, आई विल नेवर रिपीट। मुझे आपको माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन एक्सपेक्ट सम गुड थिंग फ्रॉम यू इन फ्यूचर, बट मैं जैसे मैं आपको माफ कर रहा हूं वैसे ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माफ करना भी एक गुण होना चाहिए। माफ करना कोई
गलत नहीं होता है, माफ करना भी एक गुण होता है। तो आप भी जब लोगों से डील कीजिएगा ना, तो इस चीज को ध्यान में रख करके कीजिएगा। अगर भविष्य में इस तरह की कोई बात आई आपके विषय में, तो कोर्ट विल टेक वेरी सीरियसली। मैं नहीं चाहता हूं आपके भविष्य को खराब कर। और आप ये 107 प्रोसीडिंग का क्या करेंगे सर? यूजुअली इलेक्शन के बाद जितने भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होते हैं सर, इलेक्शन कर नहीं, आपको रिकॉर्ड करना होगा कि इसमें चूंकि विदाउट एनी फॉलोइंग एनी प्रोसीजर ये स्टार्ट हुआ था ना, ताकि ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्टिग्मा ना हो आगे जाकर के। जैसे आपको बताया ना कि किस आपके अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता कि क्यों 107 प्रोसीडिंग हुआ, तो एक्सप्लेन करना पड़ता आपको। वैसे ही आप अगर इस तरह से करेंगे तो उनको भी तो एक्सप्लेन करना होगा। फिर इसलिए आप बिल्कुल रिकॉर्ड में लिखेंगे कि साहब ये सब गलतियां हुई हैं, हमने आपको पढ़ा दिया क्या क्या आपने किया है जो आपने एडमिट किया। ठीक है, आइए आप।